और बोलो सांसद जी, में अब बात बीजेपी सांसद राजेश पांडे की। जब अपने संसदीय क्षेत्र कुशीनगर वो पहुंचे तो नोटबंदी और कैशलेस को लेकर लोगों के सवालों का सामना उन्होंने कैसे किया, ये देखिए। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण कुशीनगर लोकसभा में 7 विधानसभाएं आती हैं। 2004 तक पडरौना के नाम से जाने जाने वाली इस लोकसभा का नाम परिसीमन के बाद बदलकर कुशीनगर कर दिया गया और 2009 में यहां से कांग्रेस के आरपीएन सिंह ने चुनाव जीता और केंद्र में मंत्री बने। 2014 में बीजेपी के राजेश पांडे ने आरपीएन सिंह को हराया। आपको बताते हैं कौन है राजेश पांडे। राजेश पांडे कुशीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। राजेश पांडे 19 मार्च 1959 को कुशीनगर में ही पैदा हुए। पेशे से व्यवसायी राजेश पांडे ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। 1991 और 1997 में दो बार यूपी विधान परिषद के सदस्य चुने गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उनके लोकसभा क्षेत्र लखनऊ में मीडिया इंचार्ज रहे। 2014 में कुशीनगर सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को हराया और 16वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1 सितंबर 2014 से ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। नोटबंदी और कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर पब्लिक में अब भी कई तरह के कंफ्यूजन हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने इस मसले पर जनता को जागरूक करने का जिम्मा अपने सांसदों को सौंपा है। यूपी के कुशीनगर से राजेश पांडे बीजेपी के सांसद हैं। सांसद का संसदीय इलाका कैशलेस ट्रांजैक्शन और नोटबंदी के बारे में कितना जानता है, जनता को जागरूक करने के लिए सांसद राजेश पांडे कितना पसीना बहा रहे हैं, इसका रियलिटी टेस्ट आज हम करेंगे। सुबह में चुनाव की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है। चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, यह सवाल अब पीछे रह गया है और सिर्फ एक ही मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द यह चुनाव होना है, वो मुद्दा है नोटबंदी का। हो न क्यों, नोटबंदी ने अमीर गरीब, शहर ग्रामीण, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को प्रभावित, किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। आज हम खड़े हैं कुशीनगर के सांसद राजेश पांडे के आवास के सामने, जहां वो कुछ लोगों को नोटबंदी के फायदे बता रहे हैं। सांसद राजेश पांडे अपने आवास पर मौजूद हैं। सांसद के आवास पर खुले प्रांगण में जनता दरबार लगा है। सांसद से मिलने बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत दूसरे लोग आए हैं। सांसद जैसे ही सभा में शामिल हुए, सबसे पहले फूलों की माला के साथ सांसद का आदर सत्कार किया गया। लेकिन सामने लोगों की भीड़ थी, लिहाजा बिना वक्त गवाए सांसद ने माइक पर मोर्चा संभाला और नोटबंदी पर मोदी सरकार से मिले मंत्र का ज्ञान पब्लिक को बांटना शुरू किया। उस श्रेणी में अपना नाम, दिक्कतों के बावजूद भी अगर हमने 100% लोगों से बात की होगी तो 100 के 100% लोगों ने हाथ उठा के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विमुद्रीकरण की जो कार्रवाई उन्होंने की है उसका समर्थन किया है। और आज में इस मंच से हम लोगों से ऐसी अपेक्षा भी की गई है और ये अपने अंदर की एक स्वतः स्फूर्त भावना भी है कि यहाँ जितने लोग हमारे कार्यकर्तागण मौजूद हैं, मैं उनसे इस बात का अनुरोध करना चाहूँगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि उनके मन में जो अनुरोध करना चाहता हूँ वो बात पहले से भी है कि आम जनता कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े, इसकी दिशा में हम जनता के बीच में जाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे ताकि आगे आने वाला जो समय है उसे हमें ब्लैक मार्केटियर्स से, क्रिमिनल्स से, होल्डर्स से और जो इस तरह के हमारे अर्थशास्त्र को, इस देश की अर्थ नीति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, उनसे हम छुटकारा प्राप्त कर सके, काला धन समाप्त हो सके। लेकिन जो इनका प्रयास, सांसद राजेश पांडे ने जनता को बताया कि नोटबंदी का फैसला ऐतिहासिक है। मोदी सरकार के इस फैसले से न सिर्फ आतंकवाद पर शिकंजा कसा बल्कि काले धन के कुबेरों के भी बुरे दिन आ गए। करीब आधे घंटे के भाषण के बाद सांसद राजेश पांडे मंच से हटे, फिर नए जोश और नई थ्योरी के साथ जनता के बीच गए। नोटबंदी के बाद मुद्दा कैशलेस ट्रांजैक्शन का था,
जिसे लेकर सांसद ने सिलसिलेवार तरीके से आवास पर मौजूद लोगों को समझाना शुरू किया। देखिए मित्रों, ऐसा है, ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का जो ये फैसला लिया, उसके बाद से थोड़ी दिक्कतें तो हम मान रहे हैं कि हो रही, हालांकि अब तो दिक्कतें काफ़ी कम हो गई लोग से पैसा आने लगा, शुरू में थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हुई थी, लेकिन इस नोटबंदी से फ़ायदे भी बहुत हैं आपको, और इस नोटबंदी के से अगर हम कैशलेस की तरफ जाएँ तो विकल्प भी बहुत सुख रहे हैं। आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, अगर आप गूगल पे जाएंगे और कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हैं, तो उसमें एक सरकारी वेबसाइट दी हुई है बकायदा, और उसमें 10 तरीके बताए हुए हैं उन्होंने कि कैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड रख सकते हैं, आधार कार्ड को से अपना पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। और ये इसको इसलिए किया जा रहा है कि हमारा अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा तो खाते से खाते में ट्रांजैक्शन होगा, कैश हमारे हाथ में नहीं होगा तो ब्लैक मनी का जनरेशन ही जब बंद हो जाएगा तो ब्लैक मनी की होल्डिंग बंद हो जाएगी, ब्लैक मनी की होल्डिंग बंद हो जाएगी तो उससे कितने सारे फायदे आप होंगे, निष्पक्ष चुनाव होने लगेंगे, निष्पक्ष बहुत सारे हम जहाँ पे बहुत से जितने हम नौकरियों में जहाँ जहाँ भी आप समझते हैं कि भ्रष्टाचार चलता है, ये सुविधा शुल्क वसूला जाता है, ये सारा सुविधा शुल्क वाला जो मसला है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नोटबंदी के फैसले के बाद जनता के कई सवाल सांसद को परेशान कर रहे हैं। सांसद ने खुद भी माना कि नोटबंदी से लोग परेशानी में हैं, लेकिन सांसद ने फिर खुद ही अपने इस बयान को काउंटर भी कर दिया। सांसद ने जनता से दो टूक शब्दों में कहा कि नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत के जो हालात पैदा हुए उसके लिए सरकार नहीं बल्कि बैंक जिम्मेदार है। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत बीच में हुई बैंकों के माध्यम से, लेकिन उसमें सरकार का रोल कम था, बैंक वालों का रोल ज़्यादा था, लेकिन सरकार ने जब सख्ती थी बैंक वालों पे, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को बैंकों से और एटीएम से पैसा निकालने में, खातों से पैसा निकालने में अब उतनी दिक्कत तो नहीं हो रही जैसे पहले, क्योंकि हमने भी देखा है कि लाइनें कम हो रही हैं। उधर जिन लोगों को सांसद से कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में टिप्स मिले, उनसे हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि उन्हें सांसद की पाठशाला में कितना समझ आया। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र में विकास करेगा, करप्शन पे बड़े पैमाने पर रोक लगेगी, कहें कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से इस देश से करप्शन समूल रूप से नष्ट हो जाए। कैश के ट्रांजैक्शन ही बहुत सारी बुराइयों को जन्म देता है, वो चाहे करप्शन का हो, घुसखोरी का हो, आतंकवाद का हो, या किसी भी तरह के ऐसे सब गैर सामाजिक जो वर्क हैं जो कैश की वजह से होते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन से पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। पैसे के लेन देन थोड़ा किल्लत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो नोटबंदी वाला समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है, काफ़ी पैसे मिले, हर बैंकों में पैसे मिल रहे हैं, इससे जनता काफ़ी आसानी से खुश है मोदी जी के इस कार्यक्रम से, कि जो 20 बिचौलिए वाले जो टैक्स नहीं भरते थे, अपराध बढ़ रहे थे, वो अपराध पर अंकुश लगेगा, और वह टैक्स जब सरकार को जाएगी, वह पैसा जो सरकार से फिर गांव में आएगी, तो गांव के लोग इसे खुशहाल होंगे। लोगों को दिक्कत तो आई है, शुरू में आई है, लेकिन लोग इस दिक्कत को सहन करते हुए, उनको लगा है कि यह सही दिशा में कदम है, बहुत ही अच्छा काम है, और इसे गरीबों का मजदूरों का फला होगा, वो धैर्य के साथ इसका सामना किए हैं, और अभी भी पूरे देश के साथ मोदी के साथ खड़े हैं। कहीं प्रभावित नहीं हुए हैं, थोड़ी सी दिक्कत लाइन में खड़े होने की हुई है, बाकी सब अच्छा रहा, जो हम इतना सह लेंगे, आने वाला समय अच्छा दिख रहा है, तो हमको नोटबंदी से हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, अगला भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है, हम लोग इससे खुश हैं।